नमस्कार, जीएस के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोदी डायनेस्टी, और लोदी डायनेस्टी के साथ ही हम लोग मुगल काल में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके पहले ये देखेंगे कि आखिर में जो सल्तनत काल था वो किस तरह से अपने अंत की ओर जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सल्तनत काल की स्थापना हुई, और सल्तनत काल की स्थापना में गुलाम वंश सबसे आगे था, और गुलाम वंश के बाद किस तरह से बाकी राजवंश पनपते गए और उनका अंत होता गया। और अब हम लोग इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब लोदी वंश आ गया है, और लोदी वंश जिसे हिंदुस्तान का प्रथम अफगान राज्य कहा जाता है, इसका उदय होगा, और उदय के साथ साथ इसका जल्दी से भी अंत हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, हमने एक फ्लोचार्ट बना दिया है। 38 वर्ष बहलोल लोदी रहता है, 28 वर्ष सिकंदर लोदी रहता है, और 9 वर्ष इब्राहिम लोदी रहता है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिनों तक दिल्ली में शासन करने वाला जो शासक था लोदी वंश का, वो था बहलोल लोदी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 50, 60 और ये करीब 70 वर्ष के आसपास की इनकी पूरी डायनेस्टी थी, और इतने में ही इन लोगों ने हिंदुस्तान में एक नई व्यवस्था ऐसी पनप दी जिसमें डर और भय का वातावरण छा गया था। और उसके बाद जब बाहर के लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था पनपी है जिसमें लोग जो शासक के रूप में थे, वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनको आसानी से पराजित किया जा सकता है, तो उन लोगों ने अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाया और भारत पर अधिकार कर लिया, और वो थे मंगोल यानि मुगल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लोदी डायनेस्टी के बारे में बता दिया जाए, फिर यहाँ पर जैसा कि अजय चौहान कह रहे हैं कि बादशाह की बात आती है, तो यहाँ पे जितने हैं अभी सब सुल्तान हैं। सुल्तान और बादशाह में अंतर क्या होता है? सुल्तान का मतलब होता है वो जो खलीफा के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, यानी बैकग्राउंड में खलीफा का हाथ है, और बादशाह वो होता है जो किसी के अंडर में काम नहीं करता, यानी वो स्वतंत्र शासक है। तो स्वतंत्र शासक की व्यवस्था आती है मुगलों के यानी मंगोलों के समय से, ठीक है। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं हम कि लोदी डायनेस्टी जो है वह 1451 से लेकर के 1526 तक अपनी शासन व्यवस्था को भारत के इस उत्तरी सिरे में, खासकर जब दिल्ली को उसने अपनी व्यवस्था में ले रखा था, तो शासन किया। लोदी डायनेस्टी में बहलोल लोदी ने अपना राजवंश स्थापित किया, और बहलोल लोदी ही ऐसा शासक था जिसने प्रथम अफगान राज्य, फर्स्ट अफगान स्टेट के रूप में अपनी पहचान बनाई, और अफगान राज्य के रूप में भारत में एक राज्य को स्थापित किया। यहाँ पर बहलोल लोदी की अगर हम वंश परंपरा की बात करें, तो वंश परंपरा में यह अफगानिस्तान का रहने वाला था, और अफगानिस्तान के जो साहू खेल एक शाखा थी, उसमें गिलजाई कबीला था उसमें साहू खेल जो एक मेन पार्ट था, उसमें ये पैदा हुआ था, और अपने कर्म के बल पर ये भारत में आया, और भारत में ही यह रह करके जो सैयद डायनेस्टी थी उसका अंत करके और अपना डायनेस्टी स्थापित कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहलोल लोदी अफगानिस्तान के साहू खेल के गिलजई कबीले से संबंधित था, और जैसे ही ये राजा बना तो इसने उस समय के जो मजबूत राज्य थे, मजबूत राज्यों में था संभल, मेवात, इटावा, जौनपुर, तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत राज्य था वो था जौनपुर। जौनपुर को जीतना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ पर जो सरकी राज्य था, जौनपुर में कौन सा राज्य शासन कर रहा था? सरकी सुल्तान वहाँ थे, और सरकी सुल्तानों में एक इतनी एकता थी कि वहाँ से जीत पाना लगभग कठिन था। बहलोल लोदी ने अपनी ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि सरकी सुल्तानों को हरा करके एक लंबे संघर्ष के बाद हरा दिया, और लंबे संघर्ष के में हराने के बाद इसने
जौनपुर पर अधिकार कर लिया। तो ये कहा जा सकता है कि लोदी वंश का जो सबसे बड़ी सफलता थी वो जौनपुर के सरकी सरदारों को हराना। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जौन जैसे ही बहलोल लोदी मरता है और उसका पुत्र सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठता है, वैसे ही जौनपुर के सुल्तान फिर अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और सिकंदर लोदी उन्हें पराजित नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है कि जब बहलोल लोदी ने ग्वालियर को अपने कब्जे में लेना चाहा, तो ग्वालियर के जो शासक थे मानसिंह ने 80 लाख रुपए टंका इन्हें दे दिया और इनसे समझौता कर लिया। इस तरीके से ग्वालियर जीता नहीं जा सका बल्कि समझौते पे आ गया। और वहीं जब सिकंदर लोदी राजा बनता है तो वह ग्वालियर को जीतने की पूरी कोशिश करता है और ग्वालियर को जीतने में नाकाम रहता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बनते हैं वो बनते हैं जौनपुर, ग्वालियर, अफगानिस्तान, गिलजई कबीला, साहू खेल जो इनका वंश था वो बनता है। अब यहाँ पर बहलोल लोदी के बारे में एक प्रचलित था कहावत थी या इनके विषय में इज्जत के लिए लोग कहते थे कि ये तब तक खड़ा रहता था जब तक कि इसके दरबारी बैठ नहीं जाते थे, यानी यह दरबारियों को सबसे ज़्यादा इज्जत देता था और यह इतना इज्जत देता था कि उन्हें मसनद ए अली कह करके बुलाता था। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि मसनद ए अली बहलोल लोदी अपने दरबारियों को यानी कोर्टियर्स को कहता था। और वो दरबारी जो थे वो दरबारी इसे बहुत ज्यादा मानते थे। इसने अपनी व्यवस्था को सबसे ज्यादा इज्जत देने के लिए इसने क्वाइंस चलाए और वह क्वाइंस नाम पड़ा बहलोली क्वाइंस। तो यहाँ पर जो क्वाइंस इन्होंने चलाया था वह बहलोली क्वाइंस के नाम से जाना जाता था और बहलोली क्वाइंस का काफ़ी यानी बहलोली सिक्का का काफ़ी बड़ा असर इसके राज्य पे पड़ा था, यानी एक नई पहचान इसकी बनी थी बहलोली सिक्के से। तो इस प्रकार से इसमें जो सिक्के थे इसके सिक्के को बहलोली सिक्का कहा जाता था, जिससे इसका नाम लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक बहलोली यानी बहलोल लोदी के नाम से अपने आप को ये काफ़ी इम्प्रूव किया था। इसका पूरा फायदा इसके लड़के सिकंदर लोदी को इस बात का मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि केवल बहलोल लोदी से जो प्रश्न बनते हैं, तो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में केवल 3-4 पॉइंट पे ही क्वेश्चन बनते हैं और उस पॉइंट्स को अगर आपसे डिस्कस किया जाए तो बहुत ही आसान है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अफगान राज्य, आप क्वेश्चन सुन रहे हैं इसका उत्तर दीजिएगा, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। अजय, स्नेहल, सौरभ, जल्दी से आंसर दीजिए। हमारा प्रश्न है कि प्रथम अफगान राज्य है जी, सबसे पहले आंसर जो आ रहा है वो अभिजीत का आ रहा है। तो यहाँ पर बहलोल लोदी का नाम आ जाता है कि बहलोल लोदी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोदी वंश से बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर बेहद आसान है, बहलोली सिक्का किसने चलाया था। तो आप इसका क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं कि बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है वो बन जाता है कि बहलोल लोदी का संबंध किस देश से था, तो वह था अफगानिस्तान से। बहलोल लोदी का संबंध किस देश से था, अफगानिस्तान से। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बहलोल लोदी किस कबीले का माना जाता है, यानी बहलोल लोदी का संबंध किस कबीले से था, आंसर दीजिए। बहलोल लोदी किस कबीले से माना जाता है, अफगानिस्तान के किस कबीले का था।
अफगानिस्तान आंसर नहीं है, हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि बहलोल लोदी अफगानिस्तान के किस कबीले से संबंधित था। यहां कबीला पूछ रहे हैं, कुछ लोग साहू खेल आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग गिलजई दे रहे हैं, राइट आंसर चाहिए। मोनू का आंसर अभी तक सही आया है और उसके पहले रवीन कुमार ने आंसर दिया है गिलजई कबीला। तो किस कबीले से संबंधित थे, ये गिलजई कबीले से संबंधित थे। और किस शाखा यानी जो कबीला है, जो एक तरीके से इनका जो ग्रुप चल रहा है, वो ग्रुप में इनके कई वर्ग बटे हुए हैं, जिस वर्ग में ये पैदा हुआ था, बहलोल लोदी पैदा हुआ था, वो ग्रुप कौन सा था, वो शाखा कौन सा था। तो आपको आंसर देना है वह शाखा साहू खेल था। अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि वह शाखा कौन सा था जिस शाखा से बहलोल लोदी संबंधित था गिलजई कबीले के, तो आपको आंसर देना है कि वह शाखा कौन सा था, साहू खेल शाखा था। ठीक है, इस तरह से आपके ये दो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इससे। तो अभी तक हम लोग दो क्वेश्चन और एक जो बहलोल लोदी ने जो सिक्का चलाया था, बहलोली सिक्का, उसको डिस्कशन कर चुके हैं। बहलोल लोदी किस राज्य से था, किस जगह से था, वो भी डिस्कस, यानी तीन से चार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर बहलोल लोदी से क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन बनता है कि जौनपुर जैसा शक्तिशाली राज्य जीतने वाला सुल्तान। देखिए जौनपुर पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि जौनपुर नगर किसने बसाया था, जल्दी से जवाब दे दीजिए, जौनपुर नगर किसने बसाया था। जौनपुर नगर किसने बसाया था, हमारा प्रश्न है, आप इसका जवाब दीजिए। जौनपुर नगर किसने बसाया था, यस सुमित गुप्ता का आंसर सबसे पहले आया है, उसके पहले सुभाष नायक ने आंसर दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने। अब इसके ऊपर एक प्रश्न और बन जाता है जौनपुर से कि जौनपुर नगर किसके याद में बनवाया गया था, बसाया गया था, जौनपुर नगर किसके याद में बसाया गया था, यह जरा बता दीजिए जल्दी से। यस विशाल यादव का आंसर आ गया है जूना खान। और अगला क्वेश्चन बनता है इसी में कि जूना खान किस सुल्तान का नाम था, जल्दी से बताइए जूना खान किस सुल्तान का नाम था। अभी तक आंसर नहीं आया है, हम फिर से प्रश्न दोहरा दे रहे हैं, जूना खान या जौना खान। यस अजय का आंसर सबसे पहले मिल रहा है, जौना खान या जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। तो यहां पर आप देख रहे हैं जौनपुर से कितने क्वेश्चंस बने हैं। अब जौनपुर से ये जो क्वेश्चन बनेगा लोदी वंश में, तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस सुल्तान ने जौनपुर के सरकी सरदारों को पराजित किया था। तो जौनपुर के सरकी सरदारों को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था, आपका बहलोल लोदी। तो यहां पे आंसर होगा आपका बहलोल लोदी। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन बहलोल लोदी से नहीं बनता है, यानी आपके जो एग्जाम है जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीएचएसएल हो गया, यहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है सीएचएसएल वाले एग्जाम को, तो सीएचएसएल हो गया, एसएससी हो गया, कुछ राज्यों के पीसीएस के एग्जाम हो गए, तो प्रोविंशियल जो सिविल सर्विसेज होते हैं कुछ राज्यों के, जैसे कि बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब में भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनेंगे, यानी जिस क्वेश्चन का हमने नाम लिया इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि इस अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे दिए हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं। अब आइए जानते हैं सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी अपने पिता से 10 साल कम
राज्य को भोगा था। यहाँ पर बहलोल लोदी जब ग्वालियर पर अटैक किया था तो ग्वालियर पर समझौता हो गया और ग्वालियर एक ऐसा राज्य था जो एक इज्जत की बात थी बहलोल लोदी के लिए, इसे जीतना, और बहलोल लोदी इसे जीत नहीं पाया था। इसके सदमे में वह बीमार हो गया और ग्वालियर से दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि ये मर गया। पैरेट ऑफ इंडिया यानी तोते हिंद, तोते हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, तो यहाँ पे पैरेट ऑफ इंडिया न कहिए, यहाँ कहिए तोते हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता, तो उसकी उसका जो नाम है वो पैरेट ऑफ इंडिया नहीं है बल्कि है तोते हिंद। तो तोते हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। और तोते हिंद क्यों कहा जाता है, आपने देखा होगा तोते से अगर कुछ बात करिए तो तुरंत जवाब देता है, चाहे कुछ भी उसका जवाब हो, सही हो गलत हो, तुरंत जवाब देता है, यानी हाजिर जवाबी। तो तोते हिंद का अर्थ जो होता है वो होता है हाजिर जवाबी, यानी हाजिर जवाबी के कारण अमीर खुसरो जाना जाता था, इस वजह से उसे कहा जाता था तोते हिंद। सुरेन जी, आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा क्लियर करिए, किस क्वेश्चंस को आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए, हम उसका जवाब दे रहे हैं। तब तक आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी राजा बना और राजा बनते ही सिकंदर लोदी की जब बात आती है तो सिकंदर लोदी अपने अहम के वजह से पहचाना जाता था। उसके पास इतना ज़्यादा घमंड था कि उस घमंड में वह अपनी व्यवस्था को नेस्तानाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, और इतना ज़्यादा ख़त्म कर दिया कि उसके आने वाली पीढ़ी उसको संभाल नहीं पाई और धीरे धीरे लोदी वंश का अंत हो गया। तो जैसे ही ये राजा बनता है तो राजा बनने के पहले इसका नाम जो था वो था निज़ाम खान। जब राजा नहीं बना था तो इसे किस नाम से जानते थे, निज़ाम खान। और जब गद्दी पर बैठा तो सिकंदर शाह लोदी के नाम से ये गद्दी पर बैठा। किस नाम से गद्दी पर बैठा, यहाँ पर बहलोल लोदी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी कर चुके हैं और बहलोल लोदी के बारे में डिस्क्रिप्शन भी देख चुके हैं, तो इसे हटा देते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख दें कि निज़ाम खान किस नाम से गद्दी पर बैठा, सिकंदर शाह लोदी। तो सिकंदर शाह लोदी के नाम से ये गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठते ही इसका सबसे पहला काम था कि इसके राज्य के अंदर जो अंदरूनी दुश्मन थे उससे ये निपटने में अपनी पूरी शक्ति खत्म कर दिया। और इसे ये डर व्याप्त हो गया कि इसके अंदरूनी जो ताकतें हैं, जो अंदर से ही कलह कर रही हैं, अंदर ही षड्यंत्र कर रही हैं, वो इसको ख़त्म कर देंगी। तो उसके पहले ये उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश किया था। तो इसके जो दुश्मन थे उस दुश्मन का क्या नाम था, चाचा जो था वो आलम खान लोदी। और यही एक ऐसा व्यक्ति है जो इनकी सत्ता को ख़त्म करेगा। तो आलम खान लोदी, ईसा खान लोदी ये भी इसका दुश्मन था और राज्य पाना चाहता था। ईसा खान के बाद तातार खान, ये भी राज्य पाना चाहता था और ये भी सोच रहा था कि हम राज्य पर काबिज हो जाएं। इसके बाद इन लोगों को पराजित करने में अपनी शक्ति काफी जाया कर दी। इनमें से जो लोग इनसे पराजित हुए और पराजित होने के बाद यह पंजाब की तरफ भाग गए। इसके बाद ये थोड़ा सा अपने आप को राहत महसूस किया कि दुश्मन हमसे दूर हो गए हैं। और उसके बाद इसने 1505 में
यहाँ पे लिख दिया है 1505 में इसने आगरा शहर की नींव रखी थी, और जब आगरा शहर बन गया एक साल में तो 1506 में उसे कैपिटल घोषित कर दिया, यानी 1506 एडी में इसने कैपिटल बना लिया। कैपिटल किसे बनाया? आगरा सिटी को। और आगरा सिटी जब कैपिटल बन गया तो इसकी व्यवस्था और मजबूत हो गई। अब ये दिल्ली छोड़ करके आगरा चला गया, और आगरा में इसने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। प्रफुल्ल जी, आप जब सीक्वेंस देखेंगे तो ही आपको जो है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री हमें याद नहीं होता है, सीक्वेंस देखेंगे तो ही आपको हिस्ट्री याद होगी। इसमें आप जब इंटरेस्ट लेंगे तो ही काम बनेगा, इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो काम नहीं बनेगा आपका। देखिए बाकी लोग कितने तेज़ी से आंसर दे रहे हैं, और आप भी उतने तेज़ी से आंसर देने की कोशिश करिए और उसमें इंटरेस्ट लीजिए, तो आपका भी प्रश्न मैक्सिमम सही होगा। तो फिर आपको इस तरह से निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे लेट में लोग आते हैं और तुरंत ही ग्रैप्स कर लेते हैं उन चीज़ों को और आंसर देना शुरू कर देते हैं। स्नेहल जी, यहाँ पे जो 1505 और 1506 है ये सही है, और 1505 और 1506 में आगरे की सारी व्यवस्था सिकंदर शाह लोधी ने किया था। उसके बाद जो सिकंदर लोधी था, इसने एक स्केल बनाया। स्केल किस बात का बनाया, पैमाना किस बात का बनाया? इसे चिंता थी कि जो हमारे राज्य के किसान हैं या राज्य के जो हमारे नागरिक हैं, उनको टैक्स अगर देना है, भूमि कर देना है, खराज देना है, तो खराज देते समय वह भूमि को नाप करके दें। उसे ऐसा लगता था कि हमारी जो जनता है, जो हमारे राज्य में जनता अनाज उगा रही है, वह पूरा पूरा टैक्स नहीं देती है। तो उसने एक पैमाना बनाया और वह इंचों में था, 41 इंच, 42 इंच, इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग पैमाना हुए थे। अकबर के समय अलग पैमाना था, शेर शाह सूरी के समय अलग पैमाना था, किसी का 39 था, किसी का यानी 39 इंच का था, किसी का 41 इंच का था। तो इस तरह से इसने जो स्केल बनाया, उस स्केल का इसने नाम रखा गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। और गज ए सिकंदरी का जब इसने निर्माण कर लिया तो पूरी भूमि को गज ए सिकंदरी से ही नाप दिया गया, और नापने के बाद जिसकी भूमि गज ए सिकंदरी के पैमाने से नाप दी जाती थी और उसकी भूमि के हिसाब से उसका टैक्स निश्चित किया जाता था, और वह टैक्स ये वसूलता था। ठीक है, हाँ उत्पल, आप याद है आपको कि हमने बहुत पहले, आप जब ऑफलाइन क्लास में आप आए थे तो हमने इस बात का जिक्र किया था कि 32 इंच का ये पैमाना था। आज आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो यहां पर जो पैमाना बनाया गया, तो सबसे पहले पैमाना बनाने वाले शासकों में यही था। अब यहां पर एक चीज आपको बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन किस बात का होगा? जब शेर शाह सूरी का पैमाना यहां पर रखा जाएगा, तो शेर शाह सूरी ने पैमाना क्या बनाया था? सिकंदरी गज। अब यहां देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिकंदर लोधी ने कौन सा पैमाना बनाया था, तो 90% लोग टिक लगाएंगे सिकंदरी गज पर, क्योंकि सिकंदर पहले नाम आ रहा है, गज बाद में आ रहा है, तो उसमें आसानी से लोग बता ले जाएंगे सिकंदरी गज ही पैमाना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गजे सिकंदरी जो बनवाया था सिकंदर लोधी ने बनवाया था, और सिकंदरी गज जो बनवाया था वो बनवाया था शेर शाह ने। शेरशाह सूरी ने सिकंदरी गज बनवाया था, इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए इसको बहुत तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर यह अपने पैमाने के वजह से जाना गया। जहां इसका पिता
बहलोल लोदी सिक्के के वजह से जाना जाता था, वहीं पुत्र अपने पैमाने की वजह से जाने जाने लगा। और पुत्र पैमाने की वजह से जब जाने जाने लगा तो इसकी स्थिति और मजबूत होती दिखी, लोग इसको पसंद करने लगे। लेकिन वहीं पर इसकी स्थिति उस जगह गिर गई जब यह पूरी तरह से असहिष्णु हो गया, इनटॉलरेंस की स्थिति पैदा कर दी और इसने ऐलान कर दिया कि कहीं भी मंदिरों में घंटे नहीं बजने चाहिए और जितने भी मंदिर थे उसे तोड़ने का आदेश दे दिया। अब इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी अस्पष्ट नहीं मिलती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा था कि इसने आदेश दिया था कि ऐसा काम किया जाए, कुछ इतिहासकार इसे केवल अप्रामाणिक मानते हैं और कहते हैं कि हो सकता था यह किसी का फेवर न किया हो लेकिन इसके नाम पर चीज़ें की गई हों और अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से किया गया हो। जैसे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक पहले सहिष्णु था, बाद में अचानक असहिष्णु हो गया, तो उसमें भी बहुत सारी जो तथ्य मिलते हैं, बहुत सारे जो एविडेंस मिलते हैं वो सही नहीं मिलते हैं, तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से उठाया नहीं जा सकता कि ये असहिष्णु था। लेकिन इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया था और तोड़वाने के बाद वहाँ पर अव्यवस्था लागू कर दी थी और उस अव्यवस्था के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ था। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी देखा जा सकता है कि यह अपने से ही अपने दुश्मन पैदा कर रहा था और जब इसने ग्वालियर पर अटैक किया तो ग्वालियर को यह जीत नहीं सका और जब ग्वालियर को नहीं जीत सका तो इसके अंदर जो हीन भावना आई थी वह हीन भावना ये खुद में अपने आप को फंसाता चला गया और खुद को फंसाते हुए इसकी के पतन की तरफ ये बढ़ना शुरू हुआ। और उधर जो इसके चाचा थे आलम खान, ईशा खान या तातार खान, ये सब मिल करके इसको हर तरीके से परास्त करने में अपना जी जान लगा दिए थे। तो यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें ये आती हैं। एक पॉइंट और है इसमें जिसका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है कि ये केवल कह सकते हैं कि केवल एक ही धर्म के लोगों को परेशान नहीं किया था, इस्लाम में भी इसने अपने लोगों को परेशान करने की कोशिश की थी और वो था कि महिलाओं को, जो मुस्लिम महिला थी उनको किसी के भी मज़ार पे जाने से मना कर दिया और यहाँ तक कि ताजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये दो चीज़ें इसको जब ये अपने राज्य में लागू किया तो इसके वजह से भी ये अलोकप्रिय हो गया। तो केवल इसने एक किसी एक धर्म के लिए नुकसान पैदा किया था ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये स्वयं अपने धर्म के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी जिसके वजह से यह अपने समय का यानी लोदी डायनेस्टी का अलोकप्रिय राजा भी माना जा सकता है। इसने कहा जाता है कि यह संस्कृत में जो आयुर्वेद ग्रंथ था, इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आयुर्वेद जो संस्कृत में था इसका इसने फारसी में यानी पर्शियन में ट्रांसलेट करा दिया और पर्शियन में ट्रांसलेट कराने के बाद इसका नाम रखा फरहंगे सिकंदरी। इसका क्या नाम रखा? फरहंगे सिकंदरी। फरहंग ए सिकंदरी। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि किस ग्रंथ का अनुवाद कराया था इसने और उसका क्या नया नाम रखा था। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि यहां से जो क्वेश्चन आपका जो सिकंदर लोदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो क्या हो सकता है और उसका जवाब क्या है। तो चलिए क्वेश्चन आर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि सिकंदर लोदी किसका पुत्र था। पहला प्रश्न, सिकंदर लोदी किसका पुत्र था। अनिल जी, हम आपका क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि सिकंदर लोदी किसका पुत्र था।
सागनिक जी, साइंस की जो जनरल साइंस की क्लास है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले उसमें शुरू करेंगे बायो, क्योंकि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। यस, स्नेहल का आंसर सबसे पहले आया है, पवन, सौरभ बनर्जी, इन लोगों का आंसर सबसे पहले आया है, यानी सिकंदर लोदी जो था वो बहलोल लोदी का पुत्र था। अब चलिए अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी का नाम राजा बनने से पहले क्या था? सिकंदर लोदी का नाम राजा बनने से पहले क्या था? आंसर दे दीजिए। सिकंदर लोदी का नाम राजा बनने से पहले क्या था? अभी तक आंसर नहीं आया है। यस, सुभाष नायक का आंसर सबसे पहले आया है, निजाम खान। ठीक है, तो निजाम खान इसका राजा बनने से पहला नाम, पहले नाम था, और सिकंदर शाह लोदी के नाम से ये गद्दी पर बैठा। चलिए दूसरा प्रश्न हम कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि सिकंदर शाह लोदी ने जो पैमाना बनवाया था उस पैमाने का नाम क्या है? जो स्केल बनवाया था उस स्केल का क्या नाम है, और वह स्केल किस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था? सचिन कुमार जी, आपका कमेंट दिखता है, लेकिन आप जो कमेंट करते हैं उसमें आंसर होना चाहिए। जैसे प्रफुल्ल हैं, वो मस्ती कर रहे हैं आज, आज लगता है उनको पढ़ने का मन नहीं है। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि सिकंदर लोदी किसका लड़का था, तो क्या कह रहे हैं, अपने पापा का। ठीक है, अगर उस तरह का जवाब देखा जाए तो वो जवाब भी लाजिम है, लेकिन नाम जब उसके पापा का क्या होगा वो तो बता दीजिए। यस, गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी किस सिस्टम का पैमाना था, उसे क्या नापा जाता था? कपड़ा नापा जाता था, फील्ड नापी जाती थी, क्या नापा जाता था उसको? जमीन के टैक्स के लिए था। आपका आंसर इस तरह से होगा कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए था। किसके लिए था? कृषि के इस्तेमाल में आता था, कृषि के पर्पज के लिए था। हाँ जी, जमीन नापने के लिए था, लेकिन जमीन कैसी होनी चाहिए? कृषि युक्त जमीन होनी चाहिए, यानी फॉर एग्रीकल्चर पर्पज सिकंदर शाह लोदी मेड अ स्केल विथ नेम गजे सिकंदरी। तो यहां पर आपको ये नाम याद रखना है, गजे सिकंदरी। एक और प्रश्न आपका यहां बन जाता है, और वो प्रश्न बनता है कि आगरा शहर की नींव किस शासक ने रखी थी? आगरा शहर की नींव किस शासक ने रखी थी? जल्दी से बता दीजिए, आगरा शहर की नींव किसने रखी थी? आगरा शहर की नींव किसने रखी थी? तो अभी तक आंसर आया नहीं है। यस, अब आंसर आना शुरू हो गया, सिकंदर लोदी। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बहुत देर से आ रहा है, जागीरे जामिन। तो अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, जागीरे जामिन बताने में मजा तब आएगा जब मुगल प्रणाली पढ़ाएंगे। तो मुगल प्रणाली से संबंधित किसी बात का जवाब हम अभी देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। आप अगर सल्तनत काल पढ़ रहे हैं तो सल्तनत काल से जितने संबंधित क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन करिए। यहां अब यहां पर
एक और प्रश्न बनता है कि आगरा को सबसे पहले किस शासक ने कैपिटल यानी राजधानी घोषित किया था? ठीक है, क्वेश्चन आपका यह है कि आगरा को सबसे पहले राजधानी किसने घोषित किया था? तो यस, सबसे पहला आंसर आया है रविंद्र का, और जिन्होंने आंसर दे दिया है बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने सबसे पहले आगरा को कैपिटल यानी राजधानी घोषित किया था। अब आइए चलते हैं इब्राहिम लोदी पर। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चंस आपके बहलोल लोदी से बनने थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर देखिए, इब्राहिम लोदी से कोई क्वेश्चन आपका इंडिविजुअली यानी कि एकदम व्यक्तिगत रूप से अगर कहा जाए कि इब्राहिम लोदी से कोई क्वेश्चन आता है तो नहीं आता है। हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा वो मुगल प्रणाली या मुगल युद्ध से जोड़ करके ही आएगा। और इसमें आपको हम एक पूरी इनकी कहानी बता दे रहे हैं। ये वहाँ से जब सिकंदर शाह लोदी मरा तो गद्दी पर बैठे, और गद्दी पर बैठते ही अपने पिताजी का इन्होंने एक सीख ले लिया था कि सबसे पहले अपने अंदरूनी दुश्मन को ख़त्म करो। और अंदरूनी दुश्मन को ख़त्म करने के चक्कर में ये अपने पिता से ज़्यादा दुश्मन पैदा कर लिए, और उसमें आलम खान लोदी और उनका भतीजा दोनों पंजाब के सूबेदार थे, और इन्होंने उनको इतना परेशान कर दिया कि उन्हें बाबर के शरण में जाना पड़ा। और उधर बाबर भारत पर लगातार चार आक्रमण कर चुका था, और बाबर जो कि अपने एक ऐसे ठिकाने की खोज में था जो उसे हिंदुस्तान में ही मिल सकता था, क्योंकि वहां पर उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वो आज मार दिया जाए कल मार दिया जाए। तो इस वजह से वो किसी ऐसे जगह की तलाश में था जहां पर उसे अस्थायित्व मिल जाए और उसका राज्य फैल सके, उसका परिवार सुरक्षित रह सके। क्योंकि बाबर की उम्र कम थी इसलिए उसके साथ उतना ही जोश था, और साथ ही साथ जो बारूद का इस्तेमाल वो करना जानता था वह बारूद अभी तक मध्यकाल में यानी जो आपका ये डायनेस्टी चल रहे हैं इसमें नहीं हुआ था, जबकि भारत में बारूद का सबसे पहला प्रयोग विजयनगर साम्राज्य में हो चुका। और विजयनगर साम्राज्य की जो हम बात करते हैं तो 13वीं शताब्दी मोहम्मद बिन तुगलक का शासन ध्यान में आता है। तो उस समय से लेकर के यानी तुगलक से लेकर के सैयद के बीच में बारूद का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य में हो चुका था, और बारूद का जो आविष्कार था वो चाइना से। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए कि मध्यकाल के राजाओं के बीच अगर ये हुआ था इस्तेमाल तो ये हुआ था केवल और केवल 1526 में। तो यहाँ ये ध्यान आपको रखना है। कार्तिक जी, बाबर पावरफुल नहीं था, बाबर के पास दिमाग भी था। अगर इब्राहिम लोदी के पास दिमाग होता तो ये कभी भी बाबर से पराजित नहीं होते। इनका सबसे बड़ा जो दिमाग लग रहा था वो ये लग रहा था कि कहीं हम मार ना दिए जाएं अपने लोगों के द्वारा। तो ये क्या किए, जितने शक्तिशाली सरदार थे सबसे पहला बीड़ा उठाया कि उन शक्तिशाली सरदारों को मार दिया जाए। तो अब आप सोचिए, जो शक्तिशाली सरदार इनकी सुरक्षा कर सकते थे, इनके साथ आगे बढ़ सकते थे, ये अगर उनको इज्जत देते तो वो इनके दुश्मन क्यों बनते? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर आप किसी भी शक्तिशाली सरदार को एक ऐसा महत्वपूर्ण पद दे दो जिससे कि वह अपनी सारी शक्ति उसमें ही इस्तेमाल कर ले तो फिर वो आपका दुश्मन कहाँ से बनेगा? तीसरी बात, जब इन्हें पता था कि मुल्तान के रास्ते एक बड़ी शक्ति भारत में प्रवेश कर रही है तो उस समय ये अपनी दूरदर्शिता का जो उदाहरण था, जो परिणाम था, वो क्यों नहीं देख पाए, अपने दूरदर्शिता का लाभ क्यों नहीं उठा पाए, और इनका संबंध पंजाब के सूबेदारों से इतना अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा था जिसके वजह से इन्हें एक बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी थे जा करके बाबर से मिले और बाबर से कहा कि अगर आप दिल्ली पर अटैक करते हैं, ठीक देखिए वही पोजीशन है,
जिस पोजीशन की बात हम लोगों ने सबसे पहले जयचंद वाले केस में किया था, और यहाँ वही पोजीशन फिर आ गया है एक बार भारत में कि भारत के ही लोग जा कर के निमंत्रित कर रहे हैं उन्हें कि आइए और इन्हें ख़त्म कर दीजिए और बदले में आप वापस हो जाइएगा, और अब जब आप वापस जा रहे होंगे तो हम आपको ढेर सारा सोना देंगे और आगरा और दिल्ली हमारे लिए छोड़ जाइएगा। ये कैसे संभव है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा हो जाता है कि भारत में जब जब विदेशी आक्रमण हुए हैं तब तब यहीं के लोगों ने आमंत्रित किया है कि आइए हम खड़े हैं, हमें लाठी लाठी पीट दीजिए, बदले में हम आपको ढेर सारा इनाम देंगे और आपका मन होगा तो रह लीजिएगा, नहीं मन होगा तो यहाँ पे पिकनिक मना करके चले जाइएगा। तो ये स्थिति थी। नतीजा क्या हुआ? बाबर ने अपनी सेना इकट्ठा की और सेना इकट्ठा करने के बाद इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए चल दिया। बाबर के पास उस समय सेना बहुत कम थी और सेना कम होने के वजह से जो बाबर के सैनिक थे वो इब्राहिम लोदी की सेना से डर रहे थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना में करीब 1,000 हाथी थे और 1,000 हाथी ऐसे थे जो कि किसी भी बियॉन्ड लिमिट को क्रॉस करके ऐसा रण क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा सकते थे कि बड़ा सा बड़ा शत्रु बड़ी सी बड़ी सेना में हाहाकार मच जाए। तो हाथियों का कमाल के बारे में बाबर की सेना के लोग ने सुन रखा था, इसलिए इब्राहिम लोदी से लड़ना नहीं चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर देख लीजिए, भारत में इब्राहिम लोदी है, राजपूताना में सबसे ताकतवर राजा राणा सांगा है जिसे राणा संग्राम सिंह कहा जाता है, और इन दोनों के होते हुए भारत पर एक तीसरी शक्ति बाहर से आती है और भारत को कब्जा कर लेती है। इन्हीं शक्तियों में अगर एकजुटता होती तो कभी भी बाबर का वंश भारत में अपना स्थान नहीं बना पाता। ठीक है, अब यहां पर इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत का जो मैदान था, पानीपत के मैदान में डट गया। यहां पर आपको एक चीज बता दें कि जो तैमूर वंशी बाबर था वो तैमूर वंशी बाबर, अब यहां पे हम आपको लिख ही दें कि लोदी डायनेस्टी खत्म हो गया, हम लोग अब प्रवेश कर चुके हैं मुगल सेक्शन में, तो आज हम लोग मुगल सेक्शन भी शुरू कर देते हैं। अब यहां पे कोई हम चीज छोड़ेंगे नहीं। तो यहां पे लिख देते हैं मुगल डायनेस्टी। अब मुगल डायनेस्टी में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? बाबर का। जब बाबर की बात आती है तो बाबर का जो जन्म है, आप इसे ध्यान से लिख लीजिए, बाबर का जन्म है वो है 14 फरवरी 1483 एडी। प्लेस कहाँ पैदा हुआ है? अंदीजान शहर में। अंदीजान शहर है कहाँ? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इसके जो पिता हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है उमर शेख मिर्जा। इनकी जो माताजी हैं, माताजी का क्या नाम है? माताजी का नाम है कुतलुग निगार खानम। इनकी माताजी का नाम है कुतलुग निगार खानम। अब अगर देखा जाए कि पिता किस वंश के थे, तो पिता थे तैमूर के वंश के।
और माता जी जो थी वो चंगेज, गेंजिस खान, अंग्रेजी में गेंजिस खान लिखा जाता है, चंगेज खान की वंशज थी। अब बाबर के रक्त में दो बड़े आतंकवादियों का खून दौड़ रहा था, एक तो तैमूर अपने आप में बहुत बड़ा लुटेरा ही था ही, ऊपर से चंगेज खान। कहा जाता है कि चंगेज खान ने इंग्लैंड को ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश किया था, और ये सबसे खतरनाक योद्धा था, और उस खतरनाक योद्धा के वंशज से थी कुतलुग निगार खानम, और तैमूर जो सबसे खतरनाक योद्धा था उस वंश का था उमर शेख मिर्जा। तो इन लोगों की जो उपाधि थी वह थी उमर और मिर्जा, जिसमें से मिर्जा वाली उपाधि जो थी वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट थी। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे बड़ी उपाधि क्या थी? मिर्जा। बाबर कम उम्र में ही राजा बन गया, क्यों? क्योंकि उमर शेख मिर्जा का देहांत हो चुका था। अंदीजान शहर आज का उज्बेकिस्तान है, ठीक है। अब यहां पर जो बाबर है 1483 में पैदा हुआ है, और 1483 में पैदा होने के बाद जब ये राजा बनता है तो उसकी उम्र कितनी होती है? 12 वर्ष। 12 वर्ष में ये राजा बन जाता है, और 12 वर्ष में राजा बनने के बाद लगातार संघर्ष कर रहा है कि हम अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षित करें। और 12 वर्ष से लेकर के जब यह 30 वर्ष तक होता है, तब तक इसका जो रिकॉर्ड है वो कहता है कि इसने 7 शादियां कर लिया था, और 7 शादियों से इसके पास 21 बच्चे थे। और यहां पर 7 पत्नियां 21 बच्चे, बड़ा अजीब था, इतना बड़ा कुनबा लेके चल रहा था ये। तो जो 7 पत्नियां थी वो जायज थी, जिनसे विवाह किया था, अन्य पत्नियां कितनी थी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये रिकॉर्डेड है कि 7 पत्नियों से इसने विवाह किया था जिसके 21 जायज बच्चे थे। ठीक है, यहां पर जब ये गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद इसने अपना जो घर बनाया वो बनाया फरगना, जिसे तिमुरिड कहते हैं। यहां पर इसने घर बना लिया था। तो ये चीज आप उस नोट कर लीजिए, नोट इसलिए कर लेंगे क्योंकि यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि पिता कौन थे, माता कौन थी, कहाँ पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, और अपना घर कहाँ बनाया था। केवल ये चीज़ छोड़ दीजिएगा, वाइफ और चिल्ड्रेन ये नहीं आता है। तो यहाँ पे आप 7 × 3 मत करिए, 7 × 3 कर देंगे काफ़ी दिक्कत होगा। तो यहाँ पर उस तरह से अंदाज़ा ना लगाइए, बहुत कुछ अभी बाकी है। अब ये भारत की तरफ जब बढ़ रहा था तो भारत की तरफ बढ़ने में इसने बहुत सारे इन्वेजन किए भारत में, ताकि ये नोट कर लिए हो तो हम मिटा दें, जल्दी से बता दीजिए, नोट कर लिया, हम इसे मिटाने जा रहे हैं। यस, ठीक है, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर इसने जो अटेम्प्ट किया था भारत में, वो लड़ाई इसने सबसे पहले लड़ी थी 1519 में, दो जगह अभी इसको लिख दे रहे हैं, फिर इसने लड़ी थी 1520, 1524, 2 3 4, यानी एक यहाँ पे 1+2, यानी 1519 में इसने दो जगह आक्रमण किए भारत में ही, यानी दो बार आक्रमण किए समझ लीजिए, इसलिए
ये 1519 में इसने लड़ाया था बाजौर और भेरा पे। 1520 में इसने लड़ाई किया सियालकोट, सियालकोट और सैयदपुर में। और 1524 में इसने अटैक किया लाहौर और दीपालपुर। तो अगर यहां क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार अटैक किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि बाबर ने भारत पर जो आक्रमण किया था पानीपत का, वह कौन से नंबर का आक्रमण था? तो यहां पे आएगा 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, यानी पांचवा युद्ध था। गॉट इट? ये चीजें आपको समझ में आ गई? क्योंकि जब आप प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम को आप फॉलो करेंगे, या उसमें आप बैठने की कोशिश कर रहे हैं, या उसकी तैयारी करेंगे, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका मिलेगा। क्या मिलेगा? कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो आपको जवाब देना होगा 5 बार। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा, वो कौन से नंबर का आक्रमण था? तो आपका जवाब होगा 5वां आक्रमण। यस, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई? बाकी लोग जैसा कमेंट कर रहे हैं, वैसा लग रहा है कि लोगों के समझ में आ रहा है। अब चलिए, बाजौर और भेरा पर जब आक्रमण किया तो ये सबसे कमजोर राज्य थे, जल्दी से सरेंडर कर दिए। सियालकोट और सैयदपुर थोड़ा सा ताकतवर थे, तो ये थोड़ी देर में लंबी लड़ाई लड़ी। देखिए, अब सब में ये बारूद का इस्तेमाल कर रहा है, अब बारूद के आगे कोई टिक नहीं रहा है इसके पास। लाहौर और दीपालपुर पर जब आक्रमण किया तो पंजाब नजदीक, अब बेचारे दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी मुंह उठाए चल दिए और हाथ जोड़ करके इनसे प्रार्थना किए कि तुम आओ, भारत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबर ने अपने सारे सिपाहियों से, देखिए बाबर की एक खासियत थी कि वह अपने जो सैनिक थे या जो उस समय निशानेबाज थे, उनसे वो हर चीज़ की मंत्रणा करता था। यानी ये कह लीजिए पूरा का पूरा टीम वर्क था। और सबसे बड़ी खासियत बाबर में ये थी कि वो अपने कभी टीम मेंबर को कम नहीं आंकता था, चाहे वो एक सैनिक हो और चाहे वो शार्प शूटर हो, दोनों को बराबर की इज्जत देता था और बराबर का सम्मान देता था। सबसे बड़ी बात थी, बाबर सभी को सम्मान देता था। देखिए, हमेशा युद्ध में जीत उसी की होती है, लोग बात उसी की सुनते हैं जिसके अंदर सम्मान देने की कला हो। और अगर कोई अपने घमंड में रहता है, तो अभी हम आपको दिखा देंगे कि उसका नतीजा क्या होता है। युद्ध में पराजित होता है, मार डाला जाता है, बाहर लोग खड़े होकर के ताली बजाते हैं, खुशियां बनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, अच्छा हुआ मारा गया। लेकिन यहां पर बाबर के साथ हर एक सैनिक वही जज्बा रखता है जो बाबर अपने सैनिकों के साथ रखता है। देखिए, बाहुबली अलग चीज है राजशेखर जी, बाहुबली होना अलग बात है और टीम का जो सपोर्ट होता है उसको पाना है। तो जो टीम का लीडर होता है वो कभी अपने आप को बाहुबली नहीं कहता, वो हमेशा कहता है हमारी टीम बाहुबली है, वो अपने आप को नहीं कहता कि हम बाहुबली हैं। तो बाबर इस श्रेणी का था, वो हमेशा कहता था हमारी टीम बेस्ट है, और जब हमारी टीम बेस्ट है तो हम ही बाहुबली हैं, वो सीधे सीधे डेफिनेशन आ जाता है। अब आइए, यहां पर पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, और पृष्ठभूमि तैयार होने के बाद दौलत खां और आलम खां लोदी से कहा जाता है कि तुम हमें सैनिक सहायता दोगे तभी हम इब्राहिम लोदी को पराजित कर पाएंगे। तो यहां पर पहली लड़ाई होती है
मुगल डायनेस्टी में भारत पर यानी कि दिल्ली पर आने के लिए वो होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसका जो समय है वो समय है 20 अप्रैल 1526। ऐसा समय न जाड़ा पड़ रहा हो न ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, एनर्जी भरपूर हो, ये ध्यान रखिएगा, न ज्यादा जाड़ा पड़ रहा है और न ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि भारत में अंदीजान शहर से आने वाले लोग जहां पे बर्फ का साया है वहां से जब वहां के लोग जब यहां आए तो यहां का मौसम उन्हें बड़ा अच्छा लगा और उनके अंदर एनर्जी पूरी भर गई थी, और एनर्जी भर जाने के साथ साथ जो वहां से जब चले थे तो उसमें इनके पास जो सोल्जर्स थे इब्राहिम लोदी के पास, उसका आकलन जो इन लोगों ने किया था वो था कि 1,00,000, 1,00,000 पैदल सेना थी और यहां पर लगभग 1,000 हाथी थे। कुछ किताबों में ये दिया है कि 100 हाथी थे, तो आप इसको सोच सकते हैं कि इतना बड़ा शासक 100 हाथी लेके क्या करेगा, 100 हाथी तो उसके राज दरबार में मार्च करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होते होंगे। तो 1,00,000 पैदल सेना और 1,000 हाथियों की सेना थी, और यहाँ पर जब सेनाएं इकट्ठी हो गई तो आपको बता दें ये पोजीशन था, यहाँ पर बाबर की सेना और ये जो पोजीशन था इस पोजीशन पर ये थे बाबर और ये था लोदी। अब सेना का संयोजन से ही पता चलता है कि लीडर कौन है। यहां देख रहे हैं बाबर अपनी सेना में सबसे आगे लीड कर रहा है और लोदी जो है अपनी सेना में आगे पैदल सेना लगा रखा है, उसमें हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है और यहां पर वो बीच में हाथी पर बैठा हुआ है, हाथियों से घिरा। जब सेनाओं का आमना सामना हुआ तो बाबर के पास दो जो शार्प शूटर थे अली और मुस्तफा, कौन कौन थे, अली प्लस मुस्तफा, इन लोगों ने एक रणनीति बना ली और बाबर से मंत्रणा की। बाबर की बात देखिए, बाबर ने तुरंत उनके मंत्रणा को ओके कर दिया। जब बाबर ने मंत्रणा ओके कर दिया तो अली और मुस्तफा जो अपने साथ छोटी तोपें लाए थे ऊंट पर लाद करके या ऊंट से खींच करके, उनको एक व्यवस्थित क्रम में लगा दिया, और जो लोदी की सेना थी इनके पास भारी भरकम तोपें थीं और इन्होंने भारी भरकम तोपों को आगे यहां पर लगा दिया था और उसके पीछे हाथी थे, हाथी के पीछे लोदी थे और यहां पर सारे सेनाएं थीं जो पैदल सेना के रूप में। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है कि जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा वैसे ही बहुत सारी स्थितियां बदल गईं। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, पानीपत का युद्ध इतिहास लिखने जा रहा है, लेकिन इस युद्ध का कौन कौन सा दांव पेच किसके साथ चलाया जाएगा और इस दांव पेच में कौन पहले राउंड में भारी पड़ेगा और कौन दूसरे राउंड में भारी पड़ेगा, अली और मुस्तफा बाबर को बुला करके कौन सी रणनीति डिस्कस किए थे और बाबर ने उन्हें मंजूरी क्यों दी, और लोदी अपने को आगे लाने के बाद कौन सी रणनीति में बदलाव कर देता है जिसके वजह से उसे कुछ अलग दृश्य देखने को मिलते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिएगा हमारे साथ।